यह दी रियलिस्ट आजाद चैनल भारतीय संविधान के अंतर्गत मूलभूत कर्तव्य अनुच्छेद 51 ए एच तथा मूलभूत अधिकार अनुच्छेद 19 एक ए के अंतर्गत वाणी तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संवैधानिक दायरे में रहते हुए समाज में फैले हुए अंधविश्वास, पाखंड, कुरीतियां, भेदभाव, छुआछूत, जातिवाद और कुरिवाजों के प्रति लोगों को तार्किक और वैज्ञानिक सोच के अनुसार जागरूक करने का प्रयास करता है। यह थी रियलिस्ट आजाद चैनल का उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म, मत, पंथ, संप्रदाय, मजहब या किसी भी सामाजिक समूह की सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक भावनाओं को आहत करना नहीं है। हमारा उद्देश्य लोगों में तार्किक एवं वैज्ञानिक विचारधारा को बढ़ावा देके ऐतिहासिक दस्तावेजों, पुरातात्विक प्रमाणों तथा मॉडर्न टेक्नोलॉजी की सहायता के माध्यम से समाज को जागरूक तथा विकास की ओर अग्रसर करना है। यह चैनल स्वस्थ तर्क, समीक्षा और वैज्ञानिक विचार को प्रोत्साहन देता है। यदि कोई अतिथि या वादी गाली गलौज या अभद्र शब्दों का उपयोग करता है तो यह मंच उस शब्दों या व्यक्ति का समर्थन नहीं करता है और संचालक के अलावा यदि कोई भी अन्य व्यक्ति अपने कोई भी विचार रखते हैं तो वह विचार के लिए वह व्यक्ति खुद ही जिम्मेदार होगा, उसके लिए चैनल जिम्मेदार नहीं होगा। इस प्रस्तुति में कुछ आपत्तिजनक सामग्री या शब्द हो सकते हैं, दर्शक कृपया अपने विवेक से काम लें। हाँ भाई वीर जी, तिहाड़ी जी। हाँ भाई, कैसे हो आप? कितने दिनों के बाद मिले हो, ये टुन्नी लोग मेरे से पिला पिला के मजाने लग गए भाई, ये तो एंजॉय करने लग गए पिलाई को। डॉक्टर साहब कौन सी बीमारी हो गई इनको, थोड़ा बताओ ना डॉक्टर साहब। खुशी हो रहा है तिहाड़ी जी आपसे बात करके। पता नहीं तिहाड़ी जी, दुनिया लोग एंजॉय करने लग गए भाई पिलाई। आपकी स्ट्रीम में ज्वाइन हुआ हूँ, आपको कितना बार। डॉक्टर साहब आपकी आवाज नहीं आ रही। अरे इनकी, इनका मूड देख के मुझे इनकी कुछ चॉइसेस। सुनिए तिहाड़ी जी, अरे बीच में मत बोलो यार, इतने दिनों बाद ये तो मिले हैं हमको। अच्छा भैया, आपको सुन ही नहीं रहे तो भैया यार, पर्सनली बात कर लेना। अरे अभी से अभी ये स्ट्रीम भरत मिलाप चल रहा है भाई, सब म्यूट हो जाओ, भरत मिलाप चल रहा है, म्यूट हो जाओ। हमको तिहाड़ी से वन इन वन बात करने दो। देखो भाई, कोई बीच में नहीं आएगा भाई, सब म्यूट हो जाओ, ऐसी वाली भरत मिलाप चल रहे, अनम्यूट हो जाओ। अच्छा वीर भैया सुनो ना यार, बात करने दो भाई। अच्छा हाँ हाँ, मैं ही आपसे बात कर रहा हूँ ना, बोलिए इनको अनम्यूट होने के लिए। अरे अनम्यूट म्यूट करने के लिए बोल। अच्छा सॉरी सॉरी, म्यूट करने के लिए, म्यूट हो जाओ। अच्छा, सब लोग म्यूट हो जाओ। हाँ तिहाड़ी जी आप कैमरे पे आ रहे हैं क्या? अरे वीर भैया सुनो, सुनो तो वीर भाई, दो वीर भाई सुनो, अभी ना दो तीन लोग आए थे। अच्छा सुना ना, बहुत आपसे आपसे इच्छा, हमारी बहुत सारी इच्छा है भाई आपसे बात करने की। अच्छा चलो, हमको बोलने दो, बीच में मत टोको, बीच में मत टोको। पता है तिहाड़ी जी, पिछले बार हम सपना देख रहे थे, आपसे बात करना चाहते थे, बात नहीं हुई। सपने में कहा देखे आपको, जूता से इतना मार रहे थे, इतना मार रहे थे, हमारा नींद खुल गया भाई पूरा। जूता से मार रहे थे क्योंकि आपसे बात नहीं हुई, पाइप थी ना। अब बात हो रही है, हो गया जो बोल दिया, पूरा हो गया, खुश तिहाड़ी जी। अब सीरियसली थोड़ा सा ठीक है ना, हो गया खुश, निकल गया अच्छे से अंदर का गुबार। हाँ बस, हाँ चलो अब हम आते, सुनो ना। देखो अभी तीन लोग आपके पहले आए थे वीर भैया, है ना तिहाड़ी जी, सुनिए ना, फिर बीच में बोल देते हैं, सुनते नहीं हो यार, मुझे बोलने दीजिए, फिर उसके बाद बीच में टोकिए। अच्छा एक काम करो, दो मिनट आपको दिया, जितना गुबार निकालना पहले निकाल लो, फिर आगे बात करेंगे सीरियस, ठीक है? चलो निकालो। हाँ ओके तिहाड़ी जी, हम यहाँ पर पहले भी आ चुके हैं, हम यहाँ पे तो क्लेम कर चुके हैं, अभी रिक्लेम कर रहे हैं, हम यहाँ के मूल निवासी हैं, ठीक है? और हमारा नाम हरिवीर कुमार है, हमको शॉर्ट में एचके भी कहते हैं, ठीक है? हमारा एक ही एजेंडा है, एक ही एम है, क्या है वो पता है आपको? यहाँ को ब्राह्मणों को हमको यूरेशिया भेजना है, ब्राह्मणों को लात मारना है, इसीलिए तो हम आपके पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन हमको ये पता चला यहाँ के स्ट्रीम से
कि आप तो सो कॉल्ड ब्राह्मण है, तो हमको तो यकीन नहीं आया उस दिन ये लोग सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं, इसीलिए थोड़ा चेक करने के लिए आ गए हैं कि आप यहाँ के मूल निवासी हो कि नहीं हो, तो इसलिए हम थोड़ा सा चेक करेंगे कि आप कन्वर्ट हुए हो कि नहीं। अरे रुको रुको रुको, नहीं हुआ भाई, एक मिनट रुको रुको, हो गया ना, एक मिनट रुको ना, सुनो बोल लिए, नहीं अब चुपचाप बात सुनो सुनो सुनो, आपके पिछवाड़े पे मिर्ची लग गई, आपके पिछवाड़े पे मिर्ची लग गई, आप मुझे बोलने यार ये क्या बंदा है, तू बोलने ही नहीं देगा यार। अच्छा सुनो मेरी बात सुनो, आपके पहले जो तीन लोग आए, नहीं 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 मुझे कंटिन्यू करने दो, नहीं 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 हो गया हो गया वीर जी, हो गया आपकी बारी में रिप्लाई करेंगे, हमारा चूतिया है ये, नहीं नहीं हमारा क्वेश्चन आ रहा है कैसे रिप्लाई करेंगे यार, और मैं बता रहा हूँ ये इस कौन वाला है ना, ये इस कौन वाला है ये भी बता, नहीं नहीं मैं अभी इसके कृष्ण को ठोकूंगा मैं बहुत बढ़िया तरीके से। पहले देखो क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे ना ये जो बीच में खड़ा है ना यही है बेचारा वीर, पता है ये पिछले जन्म का घोड़ा था ये, समझे, और आगे खड़े है कृष्ण जी, और आगे खड़े है कृष्ण भगवान, और पीछे खड़े बलराम जी, समझे, इसको मैं समझ गया, अब मेरे को याद आया ये कौन है। सुरे 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 सुरे, और ये देखिए बीच में घोड़े के बीच में एक महिला है जो मुंह छुपा के खड़ी है, ये कौन है सर, ये महिला की पुरुष से पता नहीं, राधा जी है। ये राधा जी है यार। अच्छा अब ये हमारे पास आया है एक्चुअल में इस्कानी टुन्नी, इससे पिछली बार बात हुई थी, मेरे को इसकी ना नस पता है भाई, इसकी नस है कृष्ण जी भगवान, ये कृष्ण भगवान को लेके आया था। अच्छा ये टुन्नी है खुद ना अपने आप को छत्री बोल के गया है, समझे, और यहाँ पे आके बता रहा है कि भाई मेरा एक ना मिशन बना हुआ है कि ब्राह्मणों को यहां से निकाल लूंगा। अब ये टुन्नी खुद एक सवाण है, समझे, ये खुद एक गजब का जातिवादी टुन्नी है, इसको मैं पहचान गया बहुत अच्छे से, यहाँ आके चूतिया जैसे बात कर रहा है, सपना ये अपना आधा बताया भाई, सपना मेरे को इसने पूरा बताया था मैसेज करके, बीच बीच में इसके पिछवाड़े में शिवलिंग भी घुसा हुआ था, वो वाला चीज को नहीं बताया। चलो भाई कर दे भैया शेयर, वीर को जरा चीर दे यार, कर दे भैया शेयर कर दे आजाद भैया, तो ये भैया एक उपजा समागम आ गया भाई, यही है इसकी दुखती रख, समझे, आहा उपजा समागम, श्री कृष्ण जी, ए वीर सुन तेरे आराध्य देवता मथुरा गए, और जिसको भी जहां जहां 293 295 लगाना है जाके लगा दो भाई, मैं तो रिफरेंस से पढ़ रहा हूँ। श्री कृष्ण जी मथुरा गए, बलराम जी उनके साथ में थे, मथुरा में राजमार्ग पे उन्होंने कुबड़ी युवती को देखा, उसका मुख सुंदर था परंतु शरीर टेढ़ा था, उस कृष्ण ने उससे पूछा, डार्लिंग तू कौन है, उसने उत्तर दिया, मैं कुब्जा नाम की स्त्री हूँ, ये कुब्जा पिछले जन्म का वीर है, पता है, इसने कहा मैं कुब्जा वीर हूँ, एचके नाम की स्त्री हूँ मैं, कंस को अंगराग ले जाती हूँ, कृष्ण की बातों से उनपे काम मुग्ध हो गई। श्री कृष्ण आगे चलो भाई, कृष्ण के अनुरूप सुकुमारता रसिकता हास एवं चितवन से वो उन पर अनुरक्त हो गई, और उसने उसना उससे उससे अपनी अंगराग उनको दे दिया। श्री कृष्ण जी ने फिर आगे भाई देखो भागवत के 10:42 में ना पूरे रिफरेंस के साथ बात हो रही है, श्री कृष्ण ने पैरों से वीर यानी कुब्जा को दोनों पैरों के पंजे दबा दिए, और हाथ ऊंचा करके दो उंगली उसकी ठोड़ी में लगाई था, शरीर को तनिक उचका दिया, चुपक, उचकते ही उसका अंग सीधा हो गया, वीर का अंग सीधा हो गया, कृष्ण की कृपा से तत्काल वीर एक विशाल नितंब तथा उठे हुए पयोधार वाली सुंदर युवती बन गया, उसी क्षण व रूप गुण तथा उदारता से युक्त हो गई, उसके मन में श्री कृष्ण से मिलने की काम अग्नि जाग उठी थी, उसने अपने दुपट्टे को खींचते हुए कहा, वीर हे वीर मेरे घर चलो, तुमने मेरे दिल को मथ डाला, अब मैं तुमको नहीं छोड़ सकती। कृष्ण ने कहा, सुंदरी मैं तेरे घर जरूर आऊंगा, आऊंगा जरूर, तुम्हारा घर संसारी लोगों की मानसिक परेशानी मिटाने का साधन है डार्लिंग। इसके बाद श्री कृष्ण बलराम आदि चले गए, कंस वध के बाद पुनः लौट कर श्री कृष्ण जी कुब्जा के घर पर गए, वहां पर उसकी बहुमूल्य सेज पर बैठ गए, कुब्जा सज कर सुंदर वस्त्र पहनकर मुस्कुराते उनके पास आई। आगे आ रहे भागवत 10:48 में,
कुब्जा नवीन मिलन के संकोच से कुछ झिझक रही थी, तभी कृष्ण ने उसे अपने पास बुलाया। उसकी कंकड़ से शोभित कलाई को रगड़ रगड़ के, वीर की कलाई को रगड़ रगड़ के अपनी खाट पर डाल लिया तथा उसके साथ रमण करने लगे। कुब्जा उर्फ वीर ने अंगराग का लेप देकर यह पुण्य कमाया था। कुब्जा कृष्ण के चरणों को अपने काम संतप्त हृदय वक्षस्थल और नेत्रों पर रखकर उसकी सुगंध लेने लगी। अपनी छाती से लगे हुए आनंद मूर्ति कृष्ण का अपने दोनों भुजाओं में गौड़ा लिंग करके कुब्जा ने दीर्घकालीन विरहताप को शांत किया। भाई ये है कि नहीं वीर बैठा हुआ है ना कि भाग गया? बैठा है, बैठा है सर, है सर, आप पढ़िए। आज 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 मैं पूरा पढ़ूंगा भाई। वह बोली प्रियतम। वीर बोली प्रियतम यहीं रह के कुछ दिन तक मेरे साथ रमण करो, मुझसे अब तुम्हारा साथ छोड़ा नहीं जाएगा डार्लिंग। भागवत के इस वर्णन से स्पष्ट है कि श्री कृष्ण का कुब्जा के साथ विषय भोग यानी व्याभिचार हुआ था। आगे ब्रह्म वैवर्त पुराण अध्याय 72 में आ रहा है। कुब्जा अपने घर पर रात में सो रही थी, सन्नाटा था रात का, चिकुर चिकुर वहां से आवाजें आ रही थी झिंगुरों की। श्री कृष्ण चुपके से वहां पहुंचे और धीरे से कुब्जा को जगाया यानी वीर को जगाया। उन्होंने उसके पास सोती हुई दासी को नहीं जगाया। कृष्ण ने उससे कहा प्रिय डार्लिंग वीर निद्रा त्याग दो, मेरे साथ संभोग करो। हे सुंदरी तुम पूर्व जन्म की रावण की बहन शूर्पणखा हो। हे प्रिय तुमने पूर्व जन्म में मेरे राम अवतार के समय में मेरे लिए बड़ी तपस्या की थी, अब तुम मेरे साथ सुखपूर्वक संभोग करो और मेरे लोक को प्राप्त करो। यह कहकर कृष्ण ने एचके यानी वीर यानी कुब्जा उसको अपनी छाती से चिपटा लिया। उन्होंने वीर को नंगा कर दिया और संभोग करने लगे तथा उसे चूमने लगे। वह श्री कृष्ण के साथ नए विषय भोग से लज्जित हो गई। लक्ष्मी के समान वे उसे चूमने व संभोग करने लगे क्योंकि दोनों ही विषय भोग की विद्या में पूर्ण चातुर थे। 18 से नीचे जितने वाले हैं प्लीज स्ट्रीम को तुरंत छोड़ दें और जिसे पसंद नहीं आ रहा कानों को बंद कर लें क्योंकि वीर का आगे में बहुत कुछ होने वाला है। दोनों के विषय भोग का अंत ही नहीं आता था। हे नारद, नारद क्या कर रहा था भाई? नारद वहां पे शूटिंग कर रहा होगा। वहां नाना प्रकार से संभोग की क्रिया की गई। कृष्ण ने उसके दोनों स्तनों को नोच कर जख्मी कर दिया। वीर के दोनों स्तन जख्मी हो गए और उसके ओंठों को दांत से चूसते चूसते चुसुर चुसुर काट खाया। रात्रि के अंत होने के समय दिन निकलने से पूर्व कृष्ण ने वीर्यदान कर दिया था। कृष्ण के संभोग से आनंद से वीर मूर्छित हो गया और उसे कृष्ण की छाती के ऊपर पड़े हुए ही निद्रा आ गई। कृष्ण जी क्षण भर भी वहां नहीं ठहरे, तुरंत निकल लिए। अपना काम बनता बाढ़ में जाए जनता अपने घर को निकल लिए जहां नंद जी सानन ठहरे हुए थे। हे वीर ये थी तुम्हारे और कृष्ण जी की कहानी। अब ये टुन्नी को जरा इसकी आवाज तो सुना दो। हाँ भाई बेहोश है कि? अब पता नहीं क्या कहानी सुनाए, हम तो हेडफोन लगा के छोड़ दिए थे। अब हमारा कहानी सुनो, सुनो ना बिहारी जी। अच्छा राधा राधा की कहानी सुनाएंगे क्या? तिवारी जी राधा की कहानी भी है। ओके ओके तिवारी, अब मेरे को सुनो। ये पगला गया, इसको खसका दो भाई आजाद। ये ना मेरे ख्याल से कृष्ण जी से काफी इसका मिलन हो चुका है यार, निकल भाई। ठीक है।